अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मैं हूं कोमल नकवी प्रोग्राम टी टाइम विद कोमल में एक बार फिर आपको खुश आहद अच्छा जी बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का जो है वो एक हम सेलिब्रेशन में आपके लिए लेकर आई हूं ठीक है बड़े अच्छे बड़े अच्छे अच्छे से गेस्ट भी लेकर आए हूं। गेस्ट क्या आज मैंने सोचा क्यों ना आपको ना अपने कुछ कोलीग से कुछ फ्रेंड से आपको मिलवाना चाहिए और क्योंकि एयर एंडिंग है चीज़ें जो है वो ख़त्म हो रही हैं एयर के लोग अपने अपने गोल्स जिन्होंने सेट किए हुए हैं वो सब अपने अपने काम सर अंजाम दे रहे हैं सो so, काफ़ी सारे लोगों ने काफी सारी चीज़ें जो है वो इस एयर में अचीव की होंगी कुछ लोगों ने बहुत सारी चीज़ें खोई होंगी तो ये सारी चीज़ें जो है वो डिपेंड ऑन द डेस्टिनी होता है ठीक है कि आपने इस एयर के अंदर क्या पाया क्या खोया आज इसी किस्म की ना कुछ जो गुफ्तु है वो मैं अपने फ्रेंड्स से भी करने वाली हूँ आप लोगों को भी मिलवाऊंगी अपने दोस्तों से अपने कुलीग से हम लोग साथ तो होते हैं लेकिन हम लोग इतने मसरूफ़ होते हैं कि हम लोग एक दूसरे की शक्ल नहीं देख सकते मसला ये है तो सोचा आज मैंने आपको कि इस अच्छे पे से ओकेजन पर अपने फ्रेंड से मिलवाऊँ उनसे बातचीत करें उनसे गपशप करें ताकि आप लोग भी जाने कि हम लोगों ने एयर एंड होने पर हम लोगों ने क्या किया क्या पाया क्या खोया तो ये डिटेल जो है मैं अपने ज़रा फ्रेंड्स से लेती हूँ अपने को जो मेरे खुली से उन सब से लेती हूँ तो सबसे पहले मैं जो हूँ वो आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ अपने गेस्ट से ठीक है इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अलताफ हुसैन खोसो साहब प्लस के सीईओ ई ओ है असल साहब कैसे हैं आप अल्लाह के साथ अच्छा फटाफट मैं आपको अपने दूसरे दूसरे गेस्ट हैं उनसे भी आपको मिलवा देती हूँ मिलवाने की क्या जरूरत है आपने अक्सर स्क्रीन पर देखा होगा उन्हें बड़े अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे बात करते हुए बड़े अच्छे अच्छे से गेस्ट उनके साथ मौजूद होते हैं हर एक नए एजेंडे पे बात कर रहे होते हैं हमारे लिए तो हमारे साथ एजेंडा ऑफ द डे के आ, एंकर पर्सन होस्ट सिद्दीक सरवर मौजूद हैं सिद्कूम ठीक ठाक यू सो मच अच्छा जी एक और भी हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं आपने एक बड़ी अच्छी खूबसूरत सी आवाज एफ एम वन ओ वन से सुनी होगी बहुत सारे लोग उसको पसंद करते हैं बहुत सारे लोग जो है वो आ, उनके फैन भी हैं अब बज दफ़ा ऐसा होता है की हमें आवाजें पसंद होती है लेकिन हमें पता नहीं होता की वो आवाज़ है किसकी तो आज उसी खूबसूरत आवाज को आपसे मिलवाने के लिए मैंने अपने स्टूडियो में बुलाया है और हमारे बहुत अच्छे को होस्ट भी हैं और बहुत अच्छे भी हैं हमारे साथ इस मौजूद हैं 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 जीशान कैसे है जीशान है, अजहर कैसे कमल कैसी आप ठीक ठाक मैं बिल्कुल ठीक ठाक आप बताइए कैसे हैं अल्लाह का करम रहा सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में बुलाने और आपको नया साल बहुत बहुत मुबारक थैंक यू थैंक यू सो मच अच्छा जी हम बात कर रहे थे कि एयर ये जो एंडिंग पे है आज उसका लास्ट डे है तो मैं बात करूंगी अल्ताफ साहब से कि आ, इनकी ऑर्गेनाइजेशन है प्लस इसके बारे में भी जानूंगी लेकिन क्या -क्या क्या -क्या तो दावत दी और यहाँ पर बुला लिया पहले तो आपको नए साल की मुबारक हो और जो हमारे दोस्त सामने बैठे उनको भी मुबारक हो आ, देखें साल तो गुजर ही गया और हम तो आगे नए गोलों की सेट की बात करें जो हो गया सो हो गया कुछ नई चीजें छोड़ के गया कुछ जो है यादें भी छोड़ के गया कुछ जो अचीव किए कुछ ना अचीव करने की वजह ये थी कि सैलाब में कुछ चीजें ऐसी थी कि लोगों ने घर छोड़ दिए कोई बेचारे बेघर हो गए हमने तो सोचा ये था कि हम जो है वो अपने जो मार्जनालिस्ट जो कम्युनिटी है जो नीडी होते हैं हमारे इदारे का काम यही होता है कि हम जो है फ्री लीगल एड प्रोवाइड करते हैं हम उन लोगों को देते हैं जो निधि होते हैं जो अपने अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या अपना हक नहीं ले सकते तो हम कोशिश करते हैं कि हम उनको अवेयरनेस देते हैं हम उनको आ, लीगल एड की तरफ लेकर आ जाते हैं हम उनको हम उनको उनको कोर्ट के थ्रू अपना हक जो है वो दिलवाते हैं अब लाजमा ने जो हमने टारगेट सेट किए थे कि हमने ये अचीव करेंगे इस साल के अंदर अंदर तो हमारे जो दो तीन महीने लाजमा ने देखे सैलाब आ गया बहुत चीजें यादगार छोड़ के गया जैसे दो दस में सैलाब आएगा तो हम उसको कहते थे कि माह सैलाब था ये हो गया फ्लड हो गया तो तो इसने भी यादें छोड़ करके गया बहुत सारे लोगों को बेघर करके छोड़ गया तो इस तरह से भी हमारे कुछ जो टारगेट थे वो हमने अचीव ना कर सके क्योंकि लाजमा ने क्योंकि लाजमा कुछ ऐसे लोग थे जो जिनको बेचारों को हक ले, लेने थे या हमने उनको दिलाने थे तो कुछ कोर्टों की तरफ से दिले कुछ अपना जो बेचारे लोगों को अपने घर छोड़ के दूसरों शहरों तक माइग्रेट करके चले गए तो लाजमा ने वो अपना हक नहीं ले सके तो इनशाला आने वाले वक्तों में आने वाला जो साल है नया साल है उसके लिए उम्मीद हम ये कर सकते हैं तो इनशाला वो अपने हकूक ले पाएंगे मतलब आने वाले एयर आपने जो तो पहले से है वो गोल सेट कर अच्छा, एजेंडा तो माशाल्लाह से वीकली बेसिस तो नए साल की मुबारकबाद आपको और नया साल किस तरह की खुशियां लेके आएगा और हमारी दुआ है कि अल्लाह हर घर में खुशियों के दरवाजे खोले और आपकी जो गमियां हैं उनकी विंडो बंद हो जाए अल्लाह ताला 2022 के सूरज के गरूब होने के साथ साथ तमाम पाकिस्तानियों के वतन अजीज के और दयारे गैर में बसने वाले तमाम ही पाकिस्तानियों के जो भी दुख परेशानियां तकलीफें गम थे उसकी विंडो क्लोज कर दे 2022 के सूरज के غروب होने के साथ ही और 2023 का जो सूरज तलू हो वो खुशियों भरा हो अमन का हो पाकिस्तान की माईशत के लिए बेहतर हो पाकिस्तान की सियासत के लिए बेहतर हो और हर पाकिस्तानी इसमें ग्रो करता हुआ फलता फूलता हुआ महसूस हो आमीन दी बहुत अच्छी बात की अच्छा ज़िशान हमारे साथ मौजूद है ज़िशान आप एफएम 101 की बड़ी खूबसूरत आवाज जी। अच्छा लोगों ने आपको देखा होगा लेकिन ज्यादातर लोग नहीं जानते ना कि की खूबसूरत आवाज़ तो तो है मेरी कामयाबी में मुझे आप वो हम तो देखते हैं ना आपके व्यूअर्स भी देखते हैं लेकिन फिर भी कुछ लोगों को नहीं क्यूरियोसिटी होती है की आवाज अच्छा ऐसा होता है कि आपकी क्योंकि एयर हो रही है आवाज तो काफी खूबसूरत आवाज़ होती है लेकिन उसके पीछे एक वो कहते हैं ना कि कॉल पर बात हो रही थी खाला रजिया से और आगे निकल आते हैं तो वो काफ़ी एक चीज़ें सामने आती तो थोड़ा सा आवाज़ की दुनिया अच्छा एक चीज़ मैं आपको कोमल ये बोलूँगा कि जब तक एफ़एम की दुनिया में लोगों का इन रहना था तो रिश्ता बहुत अच्छा था क्योंकि आप शक्ल नहीं देखते थे आप विजुअल्स पे नहीं होते थे आप अपना काम भी करते रहते थे और आपका टाइम भी बहुत अच्छा पास होता था और इसी के साथ साथ विजुअल्स अच्छी चीज है है मैं टीवी कर रहा हूं, लेकिन प्रॉब्लम यह कि एक एफएम का जो दौर था 2008 में मैंने ज्वाइन किया आई वॉज इन क्लास सेवन और उस वक्त सदीक सरवर ये पहला बंदा था जो मुझे सुनता था उसको मुझे कोई नहीं सुनता था उस वक्त ये मुझे ये श्रेय आपको जाता है ये श्रेय भी जाता है दूसरी चीज ये करेक्ट करता था

ये सुन रही होती कि क्या कहा जा रहा होता है आज की मटीरियलिस्टिक दुनिया के अंदर लोग ये देख रहे होते हैं कि कौन कह रहा है कौन कह रहा है वो क्या कह रहा है तो एफ एक ऐसी दुनिया है की जो अल्फाज आपके होते हैं वो लोगों के दिलों के ऊपर असर कर बिल्कुल हम उस दौर से गुजर चुके थे तो जब जीशान ने स्टार्ट लिया तो हम इसको जब बताते थे कि नहीं जीशान तुम अच्छा कर रहे हो माशाला से बहुत अच्छा कर रहे हो

तो उन्होंने ठीक है देखिए आज आज माशाल्लाह से आज एक फेस है आज इसको लोग सुनना पसंद करते हैं आज भी एफएम एम की आवाज में जिशान अजहर का एक नाम है मैं अगर पुराने सारे आर का नाम लो जो हमारे दौर के जो साथ बिल्कुल थे तो वो काफी सारे लोग तो किस्सा पारी ना हो गए मतलब हाँ, सफाई हस्ती से वो गुमनाम जिंदगी के अंदर चले गए तो आज उनको कोई नहीं जानता लेकिन जिशान अजहर आज

असल में देखो जो टाइम होती है ना टाइम इरा की बात होती है जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो हमें ये होता था टेलीविजन कम और हम रेडियो लेते थे चलो पापा एफएम लगाएंगे ना तो ये देखेंगे वो देखेंगे वो देखेंगे तो मुझे आज ये याद आया मैंने कहा यार देखो ये वो शख्स है जिसको हम एफ में सुनते थे आज इसको पकड़ के रखो यार ये वो खूबसूरत आवाज़ ये अच्छा इधर हमने देखा ये सिद्दीक सर और वो ये डे में आते हैं सर बात ये होती है कि देखें इंसान

जो तिफले मकतब जिसको हम कहते हैं हम सब अभी भी तिफले मकतब है एक बच्चा जब चलने की कोशिश करता है वो हजार दफा गिरता है फिर वो संभलता है फिर हम उसको गिराने की कोशिश करते हैं जब वो चलने के काबिल हो जाता है तो जिंदगी में दुनिया आपको हर तरह की मिलेगी लेकिन आपने अपना जो दामन है वो किस तरह से थाम के रखना है सबर का आपने आगे बढ़ते रहना है शुरू में खामियां जरूर होंगी मुझ में भी हर इंसान में होंगी फरिश्ते नहीं हैं बल्कि यहाँ पर तो इकबाल जब फरिश्ते को जब अल्लाह ताला के साथ जवाब शिकवा लिख रहे हैं तो वहाँ पर शैतान का और आ, आ, मुकालमा कराते हैं आपस में शैतान के साथ तो कहते हैं कि देखो इंसान ये चाहता है कि फरिश्ता बन जाओ फरिश्ता बन, बन तुम फरिश्ता हो के ये काम कर दिया कि फरिश्तों की नजर झुकी कि तुमने अल्लाह के कहने के ऊपर सजदा नहीं किया उसको तो इतनी सी गलती जो है उसकी मतलब बजार तो वो बहुत बड़ी गलती है कलातला के हुक्म के नाफरमानी की उसने कि एक गलती से इंसान जो अशरफ अल है वो फरिश्ता बनना चाहता है और तुमने फरिश्तों की तौहीन कर दी तो जो स्टार्ट में बचपन में या स्टार्ट जो भी पहले दिन कहीं से भी स्टार्ट लेगा तो वो

स्कूल में सिलेक्ट हो गया और पीवीवी सेंटर जाकर फेल हो गया ओह वहां पर जाकर उन्होंने कहा कि नहीं आप एक तो कदमें लंबे हैं लेकिन आवाज आपकी बहुत अच्छा उस टाइम पे मेरी आवाज बहुत गाड़ी थी अच्छा। तो वो शक्ल पर आपकी अच्छी नहीं लग रही आपकी आवाज अच्छा वहां पर सीमा रजा रजा बैठी हुई थी उन्होंने जो है वो मुझे कहा कि तुम लिंकिंग के लिए आ जाओ अच्छा जी लिंकिंग के लिए गए इंग्लिश लिंकिंग से फिर मेरा सफर शुरू हुआ और कोई तीन चार महीने मैंने इंग्लिश लिंकिंग की उसके अच्छा। बाद मैं रेडियो पाकिस्तान पर आ गया वन वन पर मतलब आ गया अच्छा मैं एक बात कहूंगा इससे सदीक सरवर भी एग्री करेगा कि अगर आप बोलने की दुनिया में आना चाहते हैं तो रेडियो को आप पहले आप करें क्योंकि उसमें आपका ड्रेस कोड नहीं होता है आपको बालों का ख्याल नहीं रखना आपको नहीं है आपको सिर्फ अपने अल्फाजों के अल्फाज चुनाव पर बहुत बड़ा बहुत बड़ा इंसिट्थूट इंसिट्थूट है। अगर आप अच्छा बोलना चाहते हैं और अगर क्योंकि रेडियो पाकिस्तान का मैं इसलिए फिर जिक्र करूंगा यहाँ पर की हम तहजीब का दामन हाथ से नहीं छोड़ते हम मजाक भी करते हैं क्यूँकी पब्लिक हमें देख नहीं रही होती वो हमें सुन रही होती है और जो चीज़ हम सुनते हैं वो वहाँ पे ज्यादा असर करती है उर्दू पर बड़ा फोकस है रेडियो पाकिस्तान और पीटीवी पर कि हम जैसे कि आप से मुझे ये है। और सॉरी मैं और ये बात कर रहा हूँ उर्दू में कोई लोगत में ये अल्फाज नहीं है या लफ्ज नहीं है अच्छा नहीं महसूस करते तो मैं ये फखरिया कहता हूँ कि जो हम इस इंस्टीट्यूट से आते है या वो रेडियो पाकिस्तान है हमारा अगर कोई मजाक का भी प्रोग्राम है तो वो आपके दादा दादी भी बैठ कर दे सकते कि हम इखलाक से गिरी हुई कोई बात नहीं करते गुड वेरी गुड ये बहुत एक चीज है ये सदीक सरवर भी उसका एक पार्ट है तो इसको ये मानेगा इस चीज को और दूसरी चीज ये होती है कि तलफुज बड़ा अच्छा कैची कीमा हाँ, आ, पे बड़ा काम किया जाता खुश आम देद नॉट दीद यहाँ पर दीद बोलते हैं हाँ, देखने को बोलते हैं देद आप किसी को करें, तो मेरा देद को साल में जाके सही हुआ अल्लाह इस साल हुआ था कोई पिछले साल हो गए दो हजार दस में हो गया दो हजार दस में दो हजार में हो गया अलहमदल अच्छा सिद्धिक टीवी की तरफ कैसे आना हुआ हाँ ये बस एक पकड़ अच्छा, था ये ये नहीं अल्लाह का शुक्र है उस वक्त भी बस नहीं थी उस वक्त भी प, 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 अपनी कन्विंस पे गए थे फट फटी उस वक्त भी थी <laughs> ये एक वक्त है मैं एक निजी चैनल के साथ जब उसकी लॉन्चिंग थी 2003 में तो चूंकि हम रेडियो करते रहे तो रेडियो से एक बड़ा अच्छा लिंक लोगों के साथ था तो वहाँ पर कुछ दोस्त गए तो उन्होंने कहा कि यार आप आएँ एक फिर बीट असाइन हुई तो उसके लिए काम करने के लिए मौका मिला तो फिर करते करते आ, मुझे अच्छी तरह से याद है कि 23 मार्च 2006 को जो फर्स्ट आ, मैं ऑन ईयर हुआ टीवी स्क्रीन के ऊपर कैमरा स्क्रीन के ऊपर जब सामने फेस किया उससे पहले मतलब मुख्तलिफ बीपर्स के अंदर या मुख्तलिफ न्यूज के अंदर तो आप आते रहे प्रॉपर प्रोग्राम प्रोग्राम आपने आपने डिजाइन करके उस प्रोग्राम को आपने जो है होस्ट किया वो तेईस मार्च 2006 था अच्छा था और उस प्रोग्राम में उस वक्त के जो हमारे दोस्त यार थे बड़ा उन्होंने वेलकम किया बड़ा अच्छा उन्होंने फीडबैक दिया कि नहीं उससे एक कर्ज मिली एक हौसला मिला कि नहीं यार मैं कर सकता हूँ इसमें कोई बड़ी बात नहीं बहुत बड़ा एजेंडा लेके हर वीक में हाजिर हो जाते हैं अच्छा <laughs> जा इनसे मजीद गपशप करते हैं और मजीद जानते हैं कि साल में क्या इन लोगों की अचीवमेंट्स हुई हैं लेकिन एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो स्टे विद कोमल Welcome back to tea time with Komal और हम हम सेलिब्रेट कर कर रहे रहे हैं न्यू ईयर क्योंकि नया साल शुरू हो चुका है साथ मेरे 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 साथ फ्रेंड्स को होस्ट सब मौजूद तो हम बात कर रहे थे सिद्दीक सिद्दीक साहब साहब से ने बताया कि 23 मार्च को जो है इन्होंने टीवी को ज्वाइन किया था पहली बार टीवी के सामने आए थे ऑन स्क्रीन कैसा लगा क्या फील हुआ आ, उससे पहले मैंने कहा ना कि हो चुके थे बट लेकिन जब फर्स्ट टाइम आप लाइफ में बैठ के अपना प्रोग्राम खुद होस्ट कर रहे होते हो और आपके साथ गेस्ट भी बैठे हुए हों तो थोड़ा सा नर्वस भी थे महसूस भी हो रहा था कि यार ये कैसे होगा बट एक चीज दिमाग के अंदर बिठाई और मेरे उस्ताद ने भी वो कहा कि बस आप ये पल्लू से बांध लें कि जो पता है आपको पता है सामने वाले को कख नहीं पता नहीं पता आपने आप जो बोलना है बस आप बोलते चले जाएं लेकिन आपको अपने टॉपिक के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस और अपने ऊपर पूरा एतमाद होना चाहिए कि हाँ जो आप फिगर्स की बात कर रहे हैं जो आप डेटा शेयर कर रहे हैं वो ऑथेंटिक होना चाहिए बिल्कुल अल्फाज ऊपर नीचे जिंदगी में चलता रहता है कोई इतना बड़ा वो मैटर नहीं करता वो जैसे हम ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरह की न्यूज लोग पढ़े

क्या सोच चलो अच्छा शुक्रिया थैंक यू देखिए सोच करके इसलिए रखा था, 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 था कि हम तो इस पे बिलीव रखते हैं कि बिलीव नहीं रखते हम कहते हैं कि भाई हम सब एक हैं तो फिर मैंने एक ब, बड़े नामों का अच्छे नामों का हमने एक लफ्जों का जिस तरह से साइन ने कि मैंने चुनाव किया मैंने कहा ऐसा नाम होना चाहिए कि एक यूनिक हो जिसमें एक इस तरह का लगे कि यार वाक्य इस पीछे इसका राज छुपाओ तो आज आपने पूछ लिया तो चलो मैं आपको बता दूं हाँ, हमने देखें पहले बात तो हम तो पाकिस्तानी हैं और हमें इस पे फखर होना चाहिए हम हम यहां से क्या, कहीं पर भी जाते हैं हम अपने आ, पाकिस्तान पे फखर होना चाहिए दिल और दूसरी चीज ये जब हमने पी से हमने पाकिस्तान लिखा तो फिर मैंने कहा यार मैं तो रिलेटेड लीगल से हूँ तो मेरा एक थोड़ा सा कंपोनेंट तो होना चाहिए तो मैंने इसमें लिख दिया पाकिस्तान लीगल तो एक दो लफ्ज हो गए फिर सोचा मैंने कहा यार बहुत सारी लीगल भी होंगी हम कैसे मतलब उनसे हम ऐसे कैसे यूनिक बन सकते हैं ऐसा क्या करें जो उनके साथ हम जुड़ सके मैंने कहा देखो सारे काम कर रहे हैं हम देख लेंगे हम जितने भी उन सब दोस्तों को साथ मिला करके चलेंगे मिल करके चलेंगे उसमें भले वो मतलब रिलीजियस पॉइंट से हो कास्ट से हो क्रीड से हो मतलब वो पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई वो मार्जिनलाइज कम्युनिटी हो किसी भी रंग नस्ल से कोई फर्क नहीं होगा हम उसको भी लेकर के चलेंगे हम सबको फोकस करेंगे हम यूनाइटेड रहेंगे तो हमने यूनाइटेड रख लिया फिर हमने रखा क्योंकि एक सोसाइटी थी मैंने कहा यार एक तो ये सोसाइटी है ना हमने कहा यार इसको लाजमा ने किस ला के तहत तो हम रजिस्टर करानी है हुँ. मैंने दो तीन ऑर्गेनाइजेशन मुख्तफ ला में रजिस्टर होती है सोशल वेलफेयर में अलग होती है सोसाइटीज लाज में अलग होती है फिर आपको रजिस्टर के पास जो इनकम टैक्स है या कंपनीज लाज हैं उनमें एक अलग अलग छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है तो उनका कुछ स्कोप थोड़ा सा लेवल पर कम होता है ना तो मैंने कहा नहीं यार

सब कहते हैं कि भाई हम एक दूसरे के साथ नहीं हम कई मुल्कों में सॉरी कई हमारे सूबे हैं जैसे चार सूबे गिलगित ये सारे सूबों की हम बात करें उसमें बहुत सारी जबान बोली जाती हैं बहुत सारे लोगों का अपना स्टाइल होता है बहुत अपना कल्चर होता है हर एक बंदा रिप्रेजेंट कर रहा होता है हमने कहा भाई हम एक है हमने ये नहीं कहा कि ये सिंधी है या बलोची है या ये मुहाजर है या हमने ये नहीं कहा कि भाई ये पठान है या कोई ये हजारे वाली होगा ये नहीं हम कहते सब एक है हम मुसलमान है हमने सब एक हम यूनाइटेड हैं काम करना है हमने काम करना है लोगों के लिए काम करना है हमने उन लोगों का करना है जिनके बेचारे नीडी हैं हम मिलकर के काम करेंगे आपके अंदर ताकत है आपके अंदर वो पावर है आपके अंदर वो विल है तो हम आपस में मिलकर के ये कर सकते हैं ना यही होता है यूनाइटेड जिसको कहते हैं है। प्लस ये है जी सारी चीजों को मिला के प्लस सही है अच्छा जिशान आपका प्रोग्राम जो हम देखते हैं मेरी कामयाबी सही ठीक है वो मेरी कामयाबी वो अक्सर आपका ना एक लाइन आती है उसके अंदर ना आज वो लोग वहाँ हैं इसके क्या है? कहाँ है अच्छा वो लोग कोमल जब इस प्रोग्राम को डिजाइन किया गया तो एक चीज होती है कि आप रेगुलर कुछ लोगों को देखते हैं जो आप हर चैनल स्विच करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी रोल में वो वो आपको मिल जाते हैं आ रहे होते हैं। अच्छा जब आप एक आपका फेवरेट होता है तो आप उसके बारे में रिसर्च भी करते हैं जैसे की सदीक सर्वर है इसको मैं पसंद करता हूँ इसका प्रोग्राम तो मैं इसके बारे में जरूर पढ़ूंगा कहीं ना कहीं से मालूम एक दूसरे को प्रमोट ना कर नहीं नहीं मैं बस बता रहा हूँ मैं एक मिसाल दे रहा हूँ तो मसला ये है की प्लस हो रहा है ना तो प्लस कर

हमारे इदारे का उनको पता है ना क्योंकि अभी दूसरी क्लास में पढ़ रही कह रहे कि बेटा हमारे दुकान पे जो दुकान पे मैं चीज लेने के हमारी चीजें बेच रहा है, है? तो मैंने कहा बेटा क्या बेच रहा है के रहे के नहीं बेटा वो बता के रहे प्लस ये प्लस देखो ये नाम होते हैं है। क्या मेडिकल में भी इस्तेमाल होते हैं बहरहाल एक अपना ऑब्जेक्टिव होते हैं मिशन होते <laughs> <रहे> हैं <laughs> मतलब बहुत नहीं काफी मुझे तो यूनिक लगा है मैंने इस तरह का कोई नाम देखा नहीं अभी तक तो, इस किस्म के लॉ ऑर्गेनाइजेशन में मैंने नहीं असल में देखे ना एक जिस तरह से साई ने कहा ना कि लफ्जों का चुनाव होता है

नहीं। 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 आ, लेकिन कैमरे के सामने आपके जज्बात और आपका एक्सेंट जो है ना वो काफी सारी चीजों को एक्सप्लेन कर चुका है बट जब आप रेडियो पाकिस्तान पे या रेडियो पे किसी भी चैनल के ऊपर बैठे हुए होते हैं ना तो वो सामने वाला सिर्फ आपको सुन रहा होता है बॉडी जो तो है का चुनाव बहुत बहुत ज़्यार ज़्यार ना, ना दरता दरता वो खुद एक बता रही होती है कि आप कहना क्या चाह रहे हो अगर कोई स्लिप ऑफ टोंग हो जाती है तो वहां पर चल जाती है बट रेडियो हुआ है कैमरे के सामने किया <laughs> फम्बल जहां पर ना हो वहां पर काम नहीं होता तो जिस तरह से हम प्रोग्राम शुरू होने से पहले बात कर रहे थे बहुत न्यूज बहुत सारे सारे न्यूज न्यूज इस तरह के फंबल्स कर जाते हैं कि जो मतलब इतने वायरल हो जाते हैं कि वो फिर वो मैं आप यहाँ पर क्या बताऊँ कि वो बहुत ही जुबान जदे आम हो जाते हैं लोगों को याद रह जाते हैं कि कौन सी बीमारी से कितने बच्चे मर गए तो वो रहते वक्त के साथ साथ जो है ना वो बहुत सारी चीजें नजर आती रहती बहुत सारी कभी कभी हुआ, कभी हुआ, हुआ फंबल काफी दफा होता है और हम उसको ये कहते हैं कि की है कि पाकिस्तान एक वर्डिंग्स अगर ये फंबल ना हो तो आपको कैसे पता लेगा कि ये लाइव शो है तो लाइव शो का फ्लेवर ही है कि उसमें फंबल होना चाहिए जो कि उसके बाद अच्छी खासी पर्ची आती थी ये होता था ऐसे होता था उसके बाद अच्छा था। रेडियो पाकिस्तान के ऊपर बैन भी किया जाता है आपको अच्छा की आप इतने अच्छे प्रोग्राम नहीं कर सकते क्योंकि आपकी गलती हुई थी अच्छा तो वो तो चीज बहुत अच्छी हाँ, है तो उससे आपको सीखने का बहुत मौका मुझे, मुझे लगा। सिर्फ हम ही जाते <laughs> नहीं नहीं बहुत सारी पे होता। और लाइव कैमरा जो है ना, वो आपको बहुत सारी चीजों का ख्याल करना पड़ता है आ, मतलब आप लाइव कर रहे हैं तो फंबल वो तो मतलब ऑन हाँ, ईयर चला जाएगा उसमें अब चलो आप डिले टेक्टिक्स आ गई है लेकिन कितना डिले अब आप दो तीन दिन डिले तो नहीं कर सकते बैठा हुआ वो भी कितना एक्टिव होगा और उसको कितना मतलब यही सवाल साहब है मुझे ऐसा हुआ कि आप कोर्ट में खड़े हैं और हेरिंग हो तो रही है आपने फंबल कर दिया ये देखो बहुत सारी चीजें होती हैं देखो इंसान है जबान होती है कभी ऐसे कई सारे ऐसे केसेस होते हैं कि जब बंदा जब हम नए नए जब हम वकील बने थे मैं वो बताऊं तो अच्छा रहेगा हाँ, क्योंकि जब मजा हम, आ, नहीं, 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 सीनियर करते हैं अपने क्लाइंट की फिर बात करके चले जाते हैं कभी कभार जब हमें नया गया था जब नया नया वकील बना मेरा शायद दूसरा दिन था यहाँ तीसरा दिन था ना तो काला कोट पहना टाई लगी हुई थी लेडी जज थी आगे मेरी तो हवा निकल गई मैंने थोड़े तो okay. से देखा सीनियर ने मुझे ने कहा कि, कि भाई आप जाकर के आपने बोलना है कि मेरा मैं जो हूँ हाईकोर्ट में बिजी हूँ और आपने ब्रीफ होल्ड कराना है ठीक okay. है ना तो आ, मुझे एग्जैक्टली यही लफ्ज बोलने थे okay. और आ, मैं गया उसके जैसे एंट्री मारी कोर्ट में अंदर आया जज साहब ने बोला कि वकील साहब आप क्यों आए okay. आपका कोई काम है कोई केस है मैंने कहा सीनियर ने तो मुझे बोला था मैं भूल गया <laughs> सीनियर ने बोला था क्या बोला था मैं भूल गया तो उसने बोला कि भाई वो कहाँ है मैंने कहा बोला तो मुझे हाई कोर्ट था पर ये भी नहीं पता कि कहाँ है तो कह रहे कि कभी आपने हाई कोर्ट देखा मैंने कहा मैंने तो नहीं देखा मेरा तो आज दूसरा दिन है तो मैं तो आ गया हूँ यहाँ पर कह रहे कि अच्छा ठीक है तो ये बताए कि कब तक आएंगे ना मैंने कहा उसने मुझे बोला बस जज को बता देना मुझे आगे का पता नहीं है हाँ, क्या तो पता का नहीं का पता? आप कैसे मतलब कब आएगा फोन पे बात करें ये करे देखो कभी कभी इंसान के ये तो कह रहे हैं आगे पीछे हो जाना कभी कभी इंसान के लफ्ज भी जो है ना साथ छोड़ जाते हैं लफ्जों के साथ साथ हवास भी उसके साथ छोड़ जाते हैं है और तो देखो ना बिल्कुल माफ हो जाता है कि बोलना क्या है हमने कोमल देखो बड़ा असर भी ये एक आगे लेडीज हो जैसे उसके सामने मेरे अल्फाज नहीं निकले आपके सामने भी नहीं निकलते इतना प्रेशर है आपका मैं सीट तो नहीं छोड़ सकती ना क्या करूं <laughs> सीट का तो सारा रोला है वक्त के हिसाब से सारा चक्कर सीट का सीट चल रहा है देखिए वक्त के हिसाब से होता है ना कि बंदा कभी कभार जो भले वो सेट हो जब मैंने काफी सारे मैंने जब इंटरव्यू टेलीविजन पे आया सेट पे आया, अपना सिद्धिक भाई के साथ है। एफ पे में पे गया जब मेरे पास जब इस तरह के नए प्रोग्राम होते थे मैं मैं नया नया जब गया तो तो शायद बात नहीं कर पा सकता था एक तो हमारे लिए प्रॉब्लम कि भाई हम बेसिकली गाँव देहाज से ताल्लुक रखने वाले हमें वहां पर उर्दू कभी हमने बोली नहीं, नहीं। हमने अच्छा। कभी इस तरह का वो होता नहीं था कॉन्सेप्ट ही नहीं होता था कि आपने कोई उर्दू भी बोलनी है या उर्दू में भी जा करके इस तरह की कोई बात करनी है फिर जब हमने कराची शिफ्ट हुए कराची में आए तो फिर ये हम लाजमाने फिर हम सीखनी पड़ी बैठे बात की तो मजबूरी क्या करना पड़ता है लाजमान है। मजबूरी बिजनेस तो चमकाना पड़ता है नहीं नहीं ये तो हमारी माशाल्लाह ने हम नेशनल लैंग्वेज है अब देखिए एक इंसान जल्दी जाता है लेकिन आप, आप असल में लेकिन हम गांव जाते हैं में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना कि आपको वहां पर कोई लैंग्वेज बोलनी चाहिए

गांव से शिफ्ट हुआ मतलब मैं एक बेचलर था यहाँ पर जैसे आया हमने गुलिसान जोहर में एक नई नई आबादी उस टाइम 2000 में बन रही थी काफ़ी जगहों पे आबादी थी काफ़ी जगहों पे नहीं थी नहीं। तो अबू ने कहा था कि भाई आप जाएं शिफ्ट हो तो मुझे एक तो पहले मैंने कराची का जब मैंने सुना तो कभी मैंने कराची जिंदगी में नहीं देखी मैंने तो टूल प्लाजा पे जाकर गाड़ी न उतार के कराची आ गया है? मैंने भी बेग उतार कर उतर गया मैंने कहा कराची आ गया मैंने यही सोचा होगा कि लड़का ना दादू जितना शहर होगा हमने कभी ये जिंदगी में नहीं सोचा कभी गूगल पे सर्च उस टाइम गूगल पे भी हमें इतना नहीं पता था कि गूगल भी कोई काम करता है गूगल भी नहीं था तो हसीधी बात है ना अब देखो आपने जेनियन एक चीज पूछी है तो मैं आपको वो प्रैक्टिकल बता जवाब बता रहा हूँ उसका जब हमने रहाय शुरू की आ, अपना गुलिस्तान जौहर में तो थोड़ी मोटी इस तरह से जो उर्दू बात कर रहे थे हम जिस तरह से पठान बात करते थे इसी हम तोड़ तोड़ करके बात कर रहे थे ना अब मैंने कहा यार दोपहर का टाइम है खाना खाना है अब देखें जा करके होटल पे अब होटल वाले को हम क्या बोलते थे ये दे दें

क्योंकि हम गांव देहात से थे फिर जब शहरों की तरफ आए देखा तो एक यहाँ एक टोटली लैंग्वेज जो है वो उर्दू बोली जाती है और मोस्टली यहाँ पर सिंधी इतने नहीं थे और जब हम सब्जी के टेढ़े में गए तो मैंने कहा भाई ये मुझे ये चीज चाहिए उसने तीन बार पूछा कि कौन सी चीज़ चाहिए मैं इशारा दे रहा था मैंने कहा ये चाहिए अच्छा। तो उसने बोला नाम तो बताए ना मैंने जाकर के क्योंकि जो रेढ़ा था वो उस साइज से ऊपर था मैं घूम करके हाथ का इशारा देख करके मैंने कहा तो उसने बोला कि प्यास बोलो ना मैंने कहा भाई नाम आए तो हम बताएं ना प्यास बोलते हैं इसको हमें क्या पता तो ये सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि देखें हर बंदा स्टार्टिंग का वक्त होता है क्योंकि बचपन गुजारा हमने एक सराय की लैंग्वेज हमारी फिर सिंध में रहते हैं सिंधी बोलते हैं जी है। फिर हमने फिर अब जब कराची में आए तो लाजमा ने उर्दू बोलना शुरू कर दी अच्छा। उर्दू भी बोलते हैं सिरा की भी बोलते हैं सिंधी भी बोलते हैं घरों में देखो हर चीज़ का आपको लैंग्वेज आनी चाहिए अच्छा हम देखिए सबसे बड़ी बात यह कि हम एक सिंध और बलोचिस्तान की बॉर्डर पे हमारा गाँव है तो हमें थोड़ी बहुत बलोची भी आ जाती है हम बलोची में भी बात कर लेते हैं अच्छा, तो ये एक आपका डोमिनसी होती है लैंग्वेज का असर पड़ता है इनकी तो ये हर इसी, इसी पे, इसी इनकी पे हर में प्लस है हाँ इसी में जो है ना मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा कि इन्होंने फिर उस चीज को जो है ना वो इन्वेंट किया कि जब पहले लोग जनरल स्टोर पे जाते थे जाके कहते थे दाल दे दो तो, आलू दे दो तो, जो चीजें लेनी होती थी घी हाँ। तो दे दो तो। इसी से फिर आइडिया लेके लोगों ने मार्ट बना दी हाँ। कि मार्ट में सारी चीजें रखी हुई है आपको बोलना नहीं पड़ेगा आप खुद जाकर के उठा करते जाओगे हाँ देखो इस तरह की सारी चीजें तो आ जाते हैं जो है ना वो फिर इन्वेंशन हुई है और इसी वजह से जो है ना लेकिन अच्छा तो है अच्छा है अच्छा तो है लेकिन देखें कि मुल्क के लिए अच्छा है या नहीं है अगर आप उसको मुआशी एतवार से देखें कि आपने पहले अपनी कॉम को इनसे इस... एजेंडा से आप देखें ना कि पहले आपने लोगों को इम्पोर्टेड चीजों के ऊपर लगा दिया हाँ। अब आपके पास पैसा नहीं इम्पोर्टेड चीजें ला ही नहीं सकते तो अब आप फायदा क्या उन चीजों का कि आपने एक लोगों को चीजें दिखा के एक नई यूरोप के पीछे भगा दिया अब आपके पास वो रिसोर्सेज है ही नहीं अपने चादर में रहने के लिए कुछ पगला रुलाना चाह रहे हैं सर कटिंग होगी मैं मान रहा सर करना होगा कि अब आपको ये प्लस, नहीं 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 भाई जो केक केक लाए पगला रहा है नहीं, हम केक रोना नहीं है हम काटेंगे पगले रोना तो ये चीजें ना याद रखनी पड़ेंगी हमें आवाम को क्या देना है क्या नहीं देना तो नए साल में आपको येगा अच्छा जी आपको जो है ना की स्टोरी भी बता देते हैं हमारे साथ मौजूद है अल्ताफ और इनकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो है वो हमें न्यू ईयर का केक जो है वो गिफ्ट दिया गया है काटने के लिए थैंक यू सो मच अल्ताफ साहब वेलकम आपने हमारा मुंह मीठा कराया न्यू ईयर पर चॉकलेट ही कराया चॉकलेट <laughs> थोड़ा चॉकलेट ही हो गया थोड़ा नहीं पूरा चॉकलेट <laughs> नहीं प्लस भी है <laughs> और भी काटेंगे तो और भी निकलेगा कुछ चॉकलेट अच्छा, होगा कुछ और भी अच्छा भी होगा कुछ और भी होगा और भी होगा चले जी, ये तो हम जब केक अभी काटेंगे न्यू ईयर का तो हमें पता चलेगा कि इसके अंदर और क्या क्या है अच्छा न्यू ईयर के जो है वो अच्छे अच्छे से मैसेज जो है ना वो हम अपने तमाम मेहमानों से लेना शुरू कर देते हैं ठीक है क्योंकि फिर हमने जो है वो न्यू ईयर का केक काटना है सभी लोगों को हमने विश करना है तो सबसे पहले मेरा एक एक सवाल सवाल है पहले मेरा देखिए आप बताइए दो हजार बाईस में आपने क्या खोया और क्या पाया

इन <laughs> हाउस जो है वो न्यूज आ रही है तो पता लग जाएगा आपको अच्छा जी अल्ताफ साहब पब्लिक को मैसेज क्या देंगे न्यू ईयर का देखें मैं तो यही कहूंगा कि जो हो गया जो खो गया सो खो गया आप नए गोल सेट करें नए विजन के साथ नए मिशन के साथ आप कदम रखें और इंशाल्लाह आप अपना जो इरादा है वो बुलंद रखें और बुलंद इरादों के साथ और तवक्ल पे इंशाल्लाह जो आपने गोल सेट किए हैं इंशाल्लाह वो कामयाब होंगे जो जिन लोगों के साथ जो खो गए बेचारे जो फ्लड की वजह से जो बेचारे घर दर बदर हो गए माइग्रेट करके कहीं दूसरी जगहों पे चले गए मैं उनके साथ भी हूँ मेरी हमदर्दी उनके साथ भी है तो मैं उनके लिए भी दुआ हूँ और जो जो बेचारे जिन मुश्किलों में अभी भी सर्दियों में बेचारे जो परेशान लोग बैठे हुए हैं घर छोड़ करके उनके छतें नहीं हैं जो बेचारे अपने घर छोड़ करके शहरों की तरफ आए तो मैं उनको भी दुआ करूंगा कि अल्लाह करेगा भाई देखें ये वक्त है आती है, है, आती हैं आजमाइशें आती हैं अल्लाह की तरफ से होती हैं इनशा हमारी दुआएं आपके साथ हैं आप अपने घरों पे लौट कर जाओगे उसी हंसी खुशी के साथ आप रहोगे हमारी दुआएं आपके साथ हैं और हम आपके साथ रहेंगे इनशाला अगला मैसेज हम सिद्दीक से ले लेते हैं सिद्दीक क्या है अच्छा पढ़ के बताएंगे मैं पढ़ के बताऊंगा से पूरा छोटी सी गजल है वो कोमल की नजर है सही गुजरे हुए साल के साथ थैंक यू आओ दिसंबर को रुखसत करें कुछ खुशियों को संभाल कर कुछ आंसुओं को टालकर जो लम्हे गुजरे चाहतों में जो पल बीते रफाकतों में कभी वक्त के साथ चलते चलते जो थक के रुके रास्तों में क्या बात कभी खुशियों की उम्मीद मिली कभी खुशियों की उम्मीद मिली कभी बिछड़े हुओं की दीद मिली कभी बेपना मुस्कुरा दिए कभी हंसते हंसते रुला दिए इन सारे लम्हों को मुख्तर करें आओ दिसंबर को रुखसत करें वाह वाह अच्छा ये इन्वेंशन आपकी अपनी है आ, नहीं किसी शायर का कौन अच्छा लेकिन अच्छा है थैंक यू सो मच सिद्दीक आपने इतना अच्छा जो है वो मुझे आ, एक डेलीगेशन किया अच्छा आ, जीशान आपका मैसेज पब्लिक को क्या कहेंगे मैसेज यही है कि अल्लाह पर बिलीव रखें और राइट टाइम पर राइट चीजें हो जाती हैं लेकिन हमेशा ये याद रखें कि आपको जजमेंटल होना बहुत जरूरी है कि जो इंसान आपको बड़े बड़े ख्वाब दिखा रहा है आया वो आपके साथ मुखलिस भी है या नहीं है और बेहतरीन तरीका है कि अल्लाह तला के हजूर अपनी अर्ज को डाल दें फिर वो मुकम्मल जरूर होती है इसी के साथ मैं चाहूंगा <laughs> <laughs> बहुत है, शुक्रिया जी। आ, मेरे मेरे मेहमानों का, अच्छा, हमारे पास जो है वो न्यू का। फ्रेंड्स वो आया किसकी तरफ से वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ अब हम इसको कट करेंगे तो अंदर से पता चलेगा की और क्या क्या था इसके अंदर की तरफ से लेकिन अब सब हम मिलकर इसको माइनस करने अच्छा जी मेरी तरफ से मेरी पूरी टीम की तरफ से टीवी की तरफ से मेरी वो इंटायर टीम जो इस वक्त हमारे बिहाइंड बैठ के हमारे लिए इतना कुछ करती है उनकी तरफ से भी आप सारे लोगों को मेरे तमाम देखने वालों को नया साल बहुत बहुत मुबारक अल्लाह पाक आप लोगों को इस साल में आपकी वो तमाम दुआएं कबूल करें जो इस साल जो नहीं हुई इन इस साल जो है वो पूरी हो जाए कबूल हो जाए इस दुआ के साथ कि आप सब हमें भी अपनी दुआओं में याद रखेंगे और अब हम केक काटेंगे न्यू ईयर का और मेरी तरफ से मेरी पूरे मेहमानों की तरफ से टीम की तरफ से एक बार फिर आप सभी लोगों को ना हैप्पी न्यू ईयर और खुश रहिए हंसते मुस्कुराते रहिए तो अब हम केक काटें

थैंक यू सो मच नेक्स्ट एपिसोड में न्यू ईयर में आपसे दोबारा मिलूंगी तब तक के लिए अल्लाह हाफिज